हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम यह वीडियो में देखेंगे यूरोप में अंग्रेजों की धरती पे हिंदू संस्कृति का परचम लगाने वाले 10 हिंदू मंदिरों के बारे में। हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, जो मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व के केंद्रित है। यूरोप में हिंदू धर्म सबसे बड़े छोटे धर्मों में से एक है, जिसके आबादी लगभग 1 से 20 मिलियन है। यूरोप अपने आश्चर्यजनक कैथेड्रल और ऐतिहासिक चर्चों के लिए जाना जा सकता है, लेकिन यह कुछ सचमुच लुभाने हिंदू मंदिरों का भी घर है, जो एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव के लिए देखने लायक है। ये मंदिर प्राचीन भारतीय संस्कृति की झलक पेश करते हैं और अपने जटिल नक्शे का आश्चर्यजनक वास्तुकला और शांत वातावरण के लिए जाने जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको यूरोप के 10 हिंदू मंदिरों की यात्रा पर ले जाएंगे, जो आपके आत्मा को प्रज्वलित कर देंगे और आपको हिंदू धर्म की सुंदरता और समृद्धि के लिए एक नई सराहना के साथ छोड़ देंगे। पहले नंबर पर है श्री स्वामीनारायण मंदिर लंदन। BAPS श्री स्वामीनारायण या नेस्डेस मंदिर इंग्लैंड का पहला मूल हिंदू मंदिर है, जिसे 1995 में जनता के लिए खोला गया था। BAPS संगठन के तरह मंदिर का निर्माण शिल्प स्थापत्य के सिद्धांतों का पालन करते हुए संगमरमर लकड़ी और पत्थरों का उपयोग करके किया गया था, जिसमें कोई लोहा या धातु नहीं था। मंदिर तक वेबनसी पार्क, स्ट्रॉन बीच पार्क, हॉल्ड्स डैन और नेस्ट डैन अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड स्टेशनों से बस या पैदल पहुंचा जा सकता है। हिंदू संस्कृति का अनुभव करने के लिए कोई भी व्यक्ति 5 विशिष्ट समय पर मंदिर का दौरा कर सकता है। समय सूर्योदय से पहले है श्रृंगार आरती, राजभोग आरती, संध्या आरती और शयन आरती। श्री स्वामीनारायण मंदिर लंदन के प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों में से एक है। इस प्रकार इसे कई पुरस्कार और सम्मान से प्राप्त हुए, जैसे प्लेस ऑफ प्राइड पुरस्कार, लंदन के साथ आश्चर्य और भी बहुत कुछ। मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर, खेल कक्ष, कार्यालय, किताबों की दुकान और सभा कक्ष शामिल है। दूसरे स्थान पर है गणेश मंदिर पेरिस। पेरिस के दक्षिण पूर्वी समुदायों में ला चैंपल के आसपास गणेश या श्री मनिका विनायक अलयम मंदिर स्थित है। 1985 में वेथलिंगम संडे साकेमर द्वारा निर्मित यह इस क्षेत्र में सबसे पुराना है। अन्य देशों के पुजारियों के विपरीत फ्रांस में पुजारी का किसी विशिष्ट जाति का होना जरूरी नहीं है। इस मंदिर के सभी पुजारी मद्रास से आते हैं। मंदिर में प्रवेश करते समय व्यक्ति को अपने जूते उतारने पड़ते हैं। मंदिर के अंदर हिंदू देवी देवताओं की कई पुरानी मूर्तियां हैं। फिर भी श्रीलंका में 5 विशेष धातुओं से बनी गणेश प्रतिमा इस मंदिर का मुख्य आकर्षण है। तीसरे स्थान पे है जिम्बाल्टर हिंदू मंदिर। जिम्बाल्टर मंदिर इंजीनियर लेन जिम्बाल्टर में स्थित है। यह हिंदू मंदिर भगवान राम, देवी सीता, लक्ष्मण और हनुमान का सम्मान करता है। यह जिब्राल्टर एकमात्र हिंदू अभयारण्य है। यह मंदिर हिंदू भक्तों और संगठनों के दान से चलता है। मंदिर के भीतर झूलेलाल, राधे कृष्ण, शिव पार्वती, गणेश, मुरुगन, विष्णु लक्ष्मी और गुरु नानक जैसे सिद्धि ऋषियों जैसे हिंदू और सिद्धि देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। यदि कोई प्राचीन हिंदू संस्कृति के बारे में अधिक जानना चाहता है तो मंदिर 1 घंटे के लिए वेदों पर कक्षाएं चलाता है। चौथे स्थान पर है गोलोक धाम जर्मनी। नेशनल पार्क की घनी हरियाली के बीच गोलोक धाम स्थित है। यह हिंदू भक्तों मुख्य रूप से इस्कॉन अनुयायियों के लिए एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थान है। गोलोक धाम में परिवर्तित होने से पहले यह एक लकड़ी की चक्की थी। मंदिर का मार्ग हरे भरे जंगल, चहचहाते पक्षियाँ, सुंदर हिरणों और लोमड़ियों और रंग बिरंगे चमकीले फूलों से ढका हुआ है। गोलोक धाम के अंदर योग केंद्र, राधे कृष्ण मंदिर, उपचार और सेमिनार केंद्र और एक भोजन कक्ष है। हर दिन पुजारी हिंदू परंपराओं के अनुसार आरती और पूजा करते हैं। पांचवें स्थान पर है कामाक्षी अम्बल मंदिर जर्मनी। यह दक्षिण भारतीय शैली में निर्मित वेस्टर्नफेलियन हेम जर्मनी का सबसे बड़ा मंदिर है। इसे 1980 के दशक में दक्षिण भारतीय शरणार्थियों ने बनाया था।
यह यूरोप में सबसे लोकप्रिय और देखे जाने वाले हिंदू मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में जर्मनी के अलावा नीदरलैंड और बेल्जियम से भी लोग भगवान की पूजा करने के लिए आते हैं। यह मंदिर देवी कामाक्षी का सम्मान करता है। मंदिर के अंदर गणेश, शिव, मुरुगन, नारायण, लक्ष्मी और सरस्वती जैसे अन्य हिंदू देवी देवताओं की कई छोटी मूर्तियाँ हैं। देवी की मुख्य आकृति भारत के कांचीपुरम में आयातित ग्रेनाइट से बनी है। यहाँ तक कि मंदिर की वास्तुकला भी देखने में कांचीपुरम के कामाक्षी मंदिर के समान ही है। छठे स्थान पर है श्री विष्णु अम्मन मंदिर स्विट्जरलैंड। डर्टेन ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में स्थित यह हिंदू मंदिर डर्टेन के तमिल लोगों के लिए एक मुख्य धार्मिक स्थान है। मंदिर पुराने गोदाम में स्थित है। मंदिर के बड़े कमरे में मुख्य देवता देवी दुर्गा शेर पर बैठी है। दुर्गा पूजा के 10 दिनों के दौरान मंदिर ने एक विशाल धार्मिक समारोह की मेजबानी की, जिसमें लगभग 4000 लोग भाग लेने के लिए आए। मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय सुबह 6 बजे से रात 8-9 बजे तक है। सातवें स्थान पर है श्री वेंकटेश्वर मंदिर त्रिवेणी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर से प्रेरित श्री वेंकटेश्वर मंदिर यूरोप में सबसे बड़े चल रहे मंदिरों में से एक है। यह इंग्लैंड के टिविडेल में रहता है। इस मंदिर को एक गैर लाभकारी वैष्णव संगठन चलाते हैं। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के रूप में से एक यानी वेंकटेश्वर और पद्मावती इस मंदिर के प्रमुख देवता हैं। उनके अलावा यहाँ पर शिव, मुरुगन, गणेश, पार्वती और नौ ग्रहों जैसे अन्य हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं। मंदिर हर दिन आगंतुकों के लिए मुक्त भोजन सेवा की मेजबानी करता है, क्योंकि मंदिर को पूरे इंग्लैंड और यूरोप के लोग से दान मिलता है। आठवें स्थान पर है मुथुमारी अम्मन मंदिर। यह उत्तरी जर्मनी के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है और तमिल लोगों के बीच इसका बहुत महत्व है। यह जर्मनी के हनोवर में स्थित है और उत्तरी जर्मनी का सबसे पुराना हिंदू मंदिर है। मंदिर के मुख्य देवता मुथुमारी अम्मन है, बारिश और बीमारियों की देवी। यह दक्षिण भारत के प्रमुख देवी है। मंदिर के अंदर आप भगवान गणेश, मुरुगन, शेर और नवग्रह की मूर्तियां देख सकते हैं। ये ग्रह पारंपरिक रूप से भारत से 5 धातुओं से बने होते हैं और जर्मनी में आयात किए जाते हैं। नौवें स्थान पर है श्री सनातन हिंदू मंदिर इंग्लैंड। यह इंग्लैंड के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। इसमें 2 हिंदू मंदिर शामिल है, एक इलिंग रोड वेम्बली में स्थित है और दूसरा विप्स लेस्टोन में स्थित है। लेटस्टोन मंदिर या श्री नाथ जी मंदिर 1980 में बनवाया गया था। इसके विपरीत वेम्बली मंदिर को बनने में 14 साल लगे और 2010 में इसका उद्घाटन किया गया। वेम्बली की पूरी संरचना भारत से आयातित चूना पत्थर और संगमरमर से बनी है। 10वें स्थान पर है शिव सुब्रमण्यम मंदिर स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की सीहत घाटी के एडलिसविल शहर में स्विट्जरलैंड का सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्थित है। यह मंदिर ज्यूरिख में रहने वाले तमिल लोगों द्वारा दैनिक धार्मिक गतिविधियों को करके और अपनी हिंदू संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। यह मंदिर सीहल नदी के किनारे औद्योगिक क्षेत्र में एक पुरानी फैक्ट्री में स्थित है। 2000 से पहले पूजा केवल शुक्रवार को होती थी। हालांकि शिव, मुरुगन, दुर्गा और गणेश जैसे हिंदू देवताओं की कई मूर्तियों की स्थापना के बाद पूजा समारोह हर दिन शाम 7:30 बजे शुरू होता था। मंदिर भक्तों को विशेष पूजा करने की पेशकश करता है। यदि वे मंदिर के संघ को कुछ राशि का भुगतान करते हैं, मंदिर कई प्रमुख त्योहारों जैसे महाशिवरात्रि, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी और भी बहुत कुछ का आयोजन करता है। शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले ज्ञान के वीडियो में शामिल हो सकें। धन्यवाद और फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।